कार भरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एलजेपी अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के साथ रैली को संबोधित करते हुए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के कामकाज की जमकर तारीफ की है, वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। खासतौर पर एसआई के मामले में विपक्ष के रुख पर प्रधानमंत्री ने जमकर हमला बोला। अब इन्हीं दलों के नेता हमारे वीर जवानों ने जो पराक्रम दिखाया उस पर संदेह कर रहे हैं। जैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा जा रहा था, अब वो आतंकी ठिकानों को हवाई हमले में खत्म किए जाने का भी सबूत मांगने लगे हैं। साथियों, मैं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से जानना चाहता हूं कि आखिर वो क्यों हमारे वीर जवानों का मनोबल तोड़ने में लगे हैं। आखिर क्यों कांग्रेस के नेता, उसके सहयोगी दलों के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे देश के विरोधियों को फायदा हो रहा है। स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए राजनीति करने वालों के पास मोदी को गाली देते रहने के सिवाय और कोई काम नहीं बचा है। वे कहते हैं कि आओ मिलकर मोदी को खत्म करें, वे कहते हैं आओ मिलकर के मोदी को खत्म करें, और मोदी कहता है आओ हम सब एक होकर आतंकवाद को खत्म करें। बचाने के लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूं, नए रास्ते बना रहा हूं, और मुझे ही रास्ते से हटा देने के लिए काम कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एनडीए की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने एक दूसरे के कामों की जमकर तारीफ की। 10 साल बाद दोनों नेता एक साथ एक मंच पर रैली कर रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि वो बिहार से 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे, तो रामविलास पासवान ने एयरस्ट्राइक से चुनावी लड़ाई को जोड़ते हुए कहा कि बुलेट की लड़ाई जीती है, बैलेट की भी जीतेंगे। और आप जो आज इतनी बड़ी संख्या में आयुष उल्लास के साथ आए हैं, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब ये चुनाव आने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि हम 40 में 40 सीट जीतेंगे, ये हम लोगों का संकल्प है। साथियों, अब आ गया है युद्ध का मैदान, आ गया है बैलेट की लड़ाई में। हम बुलेट की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बैलेट की भी लड़ाई लड़ेंगे, और जैसे बुलेट की लड़ाई में जीते हैं उसी तरह बैलेट की लड़ाई में जीतेंगे, और 400 से अधिक सीटों पर फिर से कब्जा करके के आदरणीय प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।